तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो अगर आप सभी ने देखी हो तो लास्ट वीडियो में हम लीटा के किसी फ्रेंड से मिलते हैं और वो हमें सब कुछ, मतलब वेपन्स भी देती है, रहने के लिए जगह भी देती है, बट उसका हमें एक काम करना होता है जो अब हम करने जा रहे हैं। उसने कहा है कि उसको कोई फ्रेंड है जिसे हमें किसी बंदों से छुड़ा कर लाना है, या फिर वो उनके ही अंदर अंडर कवर बन के गया हुआ है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम इस जगह वेपन्स नहीं ला सकते, तो हमें वेपन्स रखने पड़े, क्योंकि अगर हम यहाँ वेपन्स लाएंगे तो इन्हें शक हो जाएगा कि हम किसी ना किसी वजह से आ रहे हैं यहाँ पर। Leave the bottle. Let's work for you. Another. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez. What do you think gave it away, Guapo? This isn't a fucking zoo, abuelo. Clara sent me to find you. See, I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, Guapo. What are you talking about? Those eyes, guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Boom! Ala, ping! You fucking rat. You're worth more dead anyway. The fuck? See, Guapo is in love with you, and I ruined the only copy of my book. Bueno, mis socios, vámonos. Once again, we have outstayed our welcome. तो जैसा कि हमने सोचा था, यहाँ पर हमला हो चुका है और जो जॉन का जो क्रोकोडाइल है, गुआपो जो भी है, उसने स्टार्टिंग कर दिया। तो अब हमें इन सब से लड़ना होगा और ताकि हम इसे सही सलामत उस लड़की तक ले जाएं। भाई ये तो दर्जनों के हिसाब से आ रहे हैं और हमारे पास सिर्फ क्या है, एक पिस्टल, जिससे हमें मतलब पबजी वाली फीलिंग आ रही है कि हमें बड़ा एम कर कर मारना पड़ रहा है। ना ही हमारे पास यहाँ रेड डॉट है जो हम मार लें। बस पता नहीं कैसे मार रहा हूँ, मुझे ही पता है। और ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने कितनों को मार दिया है यहाँ पर ये आते ही जा रहे हैं सबके सब। और ये पिस्टल एक ही गोली में मार नहीं रही है किसी को भी। हेड लग रहा है तो मार देती है, वरना नहीं। लो भाई, इतना बड़ा गैंगस्टर बनना था, बेचारा मर गया। इसे अब हमारी रिवाइव की ज़रूरत है। और ये रिवाइव कैसा था, बस हाथ पकड़ के उठाए तो मैं ठीक भी हो गया है। मतलब गेम में कुछ भी बना देते हैं। ये बंदा है कहाँ पर देखने, अच्छा वो रहा। लो भाई, एक ही हैंड में गया वो भी। Right behind you, old man. Carry body. One of a kind. Follow one. We need to get back to F. Carry body. F. Carry body. तो अब हमने इसे बचा तो लिया है। वैसे इसने भी बहुत मदद करी है, बट फिर भी चैंप तो हम ही थे इसमें, गेम में। बट अब चलते हैं
और देखते हैं अब हमें करना क्या है, क्योंकि इसे तो हमने बचा लिया है। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर मटके। अब हम उसे बचा कर लाए तो उसने कहा कि मैं पहले घर नहीं जाऊंगा जहाँ पर मतलब हमारा अड्डा है, वहाँ पर नहीं जाएगा वो, हमें पहले यहाँ से एक ड्रॉप लूटना है जो सप्लाई ड्रॉप है जिसमें कि बहुत सारा सामान होता है, और हमें मतलब इनका सामान चोरी करके ले आना है। तो उससे पहले हमें इन्हें मारना होगा, और भाई मतलब हमारी मशीन गन भी ख़त्म हो गई, पिस्टल से मारना होगा, बहुत भारी पड़ रहा है वैसे मुझे, पर फिर भी हम इन्हें मार देंगे क्योंकि हमने पबजी खेल रखा है, हमें पता है कि ये गेम कैसे खेलने होते हैं। तो हमने सभी गार्ड्स को मार दिया है, और अब हम जल्दी जल्दी से सप्लाई क्रेट अपने जो भी ड्रॉप है वो लूटते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम अपने अड्डे पे पहुँच चुके हैं और हमने सप्लाई क्रेट सब लूट लिए, और हम इस बंदे को भी बचा कर आ गए हैं, और अब देखते हैं हमें क्या कहते हैं, क्या होता है और क्या नहीं। जैसे कि ये सारे के सारे हमारी टीम है और ये बैठे हुए हैं, और ये वैसे ज़्यादा मुझे अंदाज़ है हमसे खुश हो जाएंगे। She was a journalist who dared call Anton fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise. And she's not the only one, Danny. Time you learn about resolver, Danny. When I was 6, I rigged my first bike with a chainsaw motor. The blockade means I have to resolver every day, Juan. Nah, that's survival. For a guerrilla, resolver isn't just making do with what you have. It's inflicting chaos with everything you got. Keep talking. तो अब हमें जॉन बता रहा है कि गन्स को अपग्रेड कैसे कराया जाता है, और कैसे गन्स के जो है पार्ट्स को अपग्रेड करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो अब यहाँ पर हम सीखेंगे, और वो सब बता रहा है हमें। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया है, और हमने ये वाला भी मिशन कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली बार इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।